तो चलिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेलवे एवं उसका मुख्यालय। तो सबसे पहले उत्तर रेलवे, सबसे उत्तर में कौन सा है तो नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली को याद रखना है। पूर्व रेलवे यानी कि सबसे पूर्व में कौन है तो कलकत्ता, कलकत्ता याद रखना है। पश्चिमी रेलवे तो चर्च गेट मुंबई, सबसे पश्चिम की ओर जो होता है दर्शाया जाता है मुंबई चर्च गेट को। सबसे दक्षिण में कौन है तो चेन्नई है, तो आप लोग जानते हैं कि दक्षिण में चेन्नई है। मध्य में कौन है तो मुंबई सेंट्रल, तो सेंटर में ही मध्य होता है, याद रखिएगा, सेंटर में ही क्या होता है, मध्य होता है। आगे की ओर देखिए, पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर गोरखपुर, देखिए गोरखपुर, पूर्व उत्तर गोरखपुर, यानी कि आदमी लोग पूर्व या उत्तर गति सोता है जिससे बहुत ही अच्छा होता है, तो पूर्वोत्तर गोरखपुर, गोरख करके सोता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, तो पूर्व में मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव, कैसे याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा इसको, तो उत्तर और पूर्वी और सीमांत यानी कि हम लोग मालीगांव याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो माली सा जो है उत्तर में पूर्वी में एक सीमा बनाया हुआ रहता है माली सा, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, ठीक है। दक्षिण में जो है मध्य रेलवे, सबसे दक्षिण में कौन था, चेन्नई, और उसके मध्य में कौन हो गया था, सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता ही है, ठीक है, पूर्व रेलवे कोलकाता और दक्षिण पूर्व रेलवे भी कोलकाता। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, तो पूर्व में तट कहे तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है आप लोग जानते हैं किसका राजधानी है, उड़ीसा का। आगे देखिए, उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर में कहे तो इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे था सिकंदराबाद और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, बाद उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, तो उत्तर में पश्चिम, सबसे पश्चिम की ओर जो है उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर जो है जयपुर में आता है। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि दक्षिण और पूरब में तो बिलासपुर, ठीक है, पूरे है दोनों। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम में मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक है। आगे है कोलकाता मेट्रो, कोलकाते में रहेगा। दक्षिण तटीय विशाखापट्टनम, ये नया बना है, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, तो आप लोग को ये कन्फर्म याद रखना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 नंबर। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऐसा ही वीडियो आप लोग को बार बार डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ही ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक और ये जो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर जय हिंद, जय भारत।